दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम को लेकर जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर, जिसे आम भाषा में बाजपन कहते हैं, यानी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इस प्रॉब्लम को लेकर आजकल बहुत से लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा होना शादीशुदा ज़िंदगी में चार चांद लगा देते हैं, और अगर बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो इससे बहुत सारे लोग इरिटेट होने लगते हैं। और जैसे जैसे शादी को ज़्यादा टाइम होता जाता है, फिर तो शादी पार्टी में जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सुल्तान कंपनी के फर्टाइल कैप्सूल के बारे में, जो प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए अच्छे से जान लेते हैं इस कैप्सूल के बारे में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। फर्टाइल कैप्सूल ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसे विवाहित जोड़े के लिए बनाया गया है जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। एक साल ट्राई करने के बाद भी महिला को गर्भधारण नहीं होता है तो उसमें ये कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फर्टाइल कैप्सूल बाजपन की समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। ये कैप्सूल ऊर्जावान और हेल्थी शुक्राणु बनाता है, जिसकी वजह से गर्भधारण आसानी से हो जाता है और बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है, और फर्टाइल एफ कैप्सूल नेचुरली तरीके से फर्टिलिटी का इलाज भी करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाता है, यूटेराइन को हेल्थी बनाता है और स्पर्म को सही से ट्रांसपोर्ट होने में भी हेल्प करता है। और फर्टाइल एम कैप्सूल जो कि मेल के लिए होता है, ये कैप्सूल सेक्स स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे पुरुष खुलकर सेक्स का मजा ले सकते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजाकुलेशन, कम सहन शक्ति, कम ताकत, सिरपतन, लो टेस्टोस्टेरोन, लो लिबिडो, इस तरह की समस्या को फर्टाइल एम कैप्सूल आराम से दूर कर देता है और सेक्स इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस कैप्सूल से आप लंबे टाइम तक सेक्स का इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। और ये कैप्सूल हारमोन्स को बैलेंस करता है, इरेक्शन को बेहतर बनाता है और स्टेमिना को भी इनक्रीज करता है, जिसकी हेल्प से आप खुलकर सेक्स का मजा ले सकते हैं। और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में तो इस कैप्सूल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और इस कॉम्बो कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको शतावरी देखने को मिल जाएगा, अश्वगंधा मिल जाएगा, अशोका, पुनर्वा, सिनेमन, टर्मरिक, और मेल कैप्सूल में मका रूट्स, अश्वगंधा, शतावरी, अमलाकी, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बाजपन की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और अगर आप इस कॉम्बो पैक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से ही टेस्ट कराया हुआ है, प्रॉब्लम मेल के अंदर है या फीमेल, ये आपको काफ़ी अच्छे से पता है, तो आप एक कैप्सूल के बॉक्स को भी परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक कैप्सूल मेल या फीमेल बाय कर सकते हैं, और अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो आप कॉम्बो पैक को परचेस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डोज के बारे में। डोज की बात करें तो डोज बिल्कुल सिंपल है, एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और एक रात में खाने के बाद पानी से लेना है, फिर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।